नमस्ते, बुक बॉक्स में आपका स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए घंटी को दबाएं। नन्हा पियानो वादक, कहानी ब्रिज कोठारी। The Little Pianist by Brij Kothari. एक छोटा बच्चा था, नाम था अजुल। There was once a little boy named Azul. पियानो बजाना उसका शौक था और वह किसी दिन पियानो वादक बनने के सपने लेता था। He loved to play the piano and dreamed of becoming a pianist someday. हर इतवार अजुल अपनी पियानो क्लास में जाता और हर रात घर में अभ्यास करता सोने से ठीक पहले। Every Sunday, Azul went to his piano class and practiced every night at home, just before going to bed. Azul बढ़िया बजाने लगा क्योंकि उसमें बहुत लगन थी। Azul became good at it because he was so sincere. वह मंजन करना भूल जाता लेकिन पियानो पर अभ्यास करना कभी न भूलता। He would forget to brush his teeth, but would never forget to practice playing the piano. एक दिन उसके पियानो की अध्यापिका विकी ने उससे कहा, अजुल, कल तुम बड़ी सभा के सामने बजाओगे। One day, Vicky, his piano teacher, told him, Azul, you will perform tomorrow in front of a large audience. तुम काफी अच्छे पियानो वादक बन रहे हो। पियानो के स्वरों पर तुम्हारी उंगलियां गिलहरी की तरह चलती हैं। You are getting to be quite the pianist. Your fingers move like a squirrel on the piano keys. लेकिन कहीं कोई कमी रह गई है। But there is something missing. वह क्या है? अजुल यह जानने के लिए बेचैन हो उठा। What is it? Azul just had to know. वह सचमुच सिर्फ एक अच्छा पियानो वादक नहीं बल्कि एक महान पियानो वादक बनना चाहता था। He really, really wanted to be not just a good pianist, but a great pianist. विकी मुस्कुराई। विकी smiled. उन्होंने अजुल के कान में एक पियानो शिक्षक का रहस्य फुसफुसाया। She whispered into Azul's ear, a piano teacher's secret. अपने दिल से बजाओ, उंगलियों से नहीं। Play with your heart, not with your fingers. हमेशा की तरह विकी ने अपने स्टिकर्स का डिब्बा निकाला। As always, Vicky pulled out her box of stickers. अजुल ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और विकी ने शानदार तितली का एक स्टिकर उसके हाथ पर चिपका दिया। अजुल held out his hand and Vicky stuck on it a gorgeous sticker of a butterfly. लो,
जब तुम अपने दिल से बजाना चाहो तो इस तितली के बारे में सोचना, उन्होंने कहा। There, think of this butterfly when you want to play with your heart, she said. उस दिन जब सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे, अज़ुल अपनी तितली को एक टक निहार रहा था। That day, when all the children played in the park, Azul just stared at his butterfly. उसने सोचा, मैं अपनी उंगलियों से इसलिए बजा सकता हूं क्योंकि मैं उन्हें चला सकता हूं। He wondered. I can play with my fingers because I can move them. मैं उनसे पियानो के स्वर छू सकता हूं। I can touch the piano keys. मैं अपने दिल से कैसे बजाऊं भला? मैं अपने दिल को देख भी तो नहीं सकता। How can I play with my heart? I can't even see my heart. पहली बार बहुत दिनों बाद अज़ुल पियानो बजाए बिना सोने चला गया। For the first time in a long time, Azul went to bed without playing the piano. अपने प्रोग्राम के पहले की रात उसने अभ्यास नहीं किया क्योंकि उसे मालूम न था कि वह अपने दिल से कैसे बचाए। The night before his performance, he did not practice because he did not know how to play with his heart. जब अज़ुल सवेरे उठा तो उसने तितली का स्टिकर ढूंढा। When Azul woke up, he looked for the butterfly sticker. Oh, नहीं, स्टिकर गुम हो गया था। अब अज़ुल बेचैन हो उठा, सचमुच बेचैन। Oh no, the sticker was gone too. Now Azul was nervous, really nervous. उसने पियानो बजाने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां चली ही नहीं। He tried playing the piano, but his fingers would just not move. पर इससे घड़ी के टिक टिक तो न रुकी। However, that did not stop the clock from ticking. प्रोग्राम का समय हो गया। Soon it was performance time. गोल स्टेज के बीचों बीच पियानो था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। The piano was in the middle of a round stage, surrounded by rows of people. अज़ुल स्टेज पर गया। पियानो की बेंच पर बैठा और पल भर के लिए उसने आंखें बंद कर ली। अज़ुल walked
onto the stage, sat on the piano bench, and closed his eyes for a second. विकी के शब्दों को याद करते हुए उसने तितली के बारे में सोचा. Remembering Vicky's words, he thought of the butterfly. हॉल की शांति में अजुल ने पंखों की फड़फड़ाहट सुनी. In the quiet of the auditorium, Azul heard the flutter of wings. एक तितली उसके कंधे पर आ बैठी और एक धुन गुनगुनाने लगी. A butterfly sat on his shoulder and started to hum a tune. उसकी उंगलियां अपने आप चलने लगी. His fingers began to move by themselves. उसका दिल तितली का गाना बजाने लगा. His heart began to play the butterfly's song. सुनिए जी, वीडियो को पसंद करना और बांटना ना भूलें। कृपया नीचे अपनी टिप्पणियां भी छोड़ दें।